आशीर्वाद रूप, हाँ आशीर्वाद स्वरूप सहयोग राशि, और कई सारे अतिथि हैं, सबने अपना योगदान दिया, सबने अपना रोल निभाया, तब जाके ये प्रतियोगिता इतने अच्छे ढंग से लगातार 3 दिनों से चल रहा था, नहीं लगातार 4 दिनों से, आज 5 दिनों में। अक्सर बक्सर में कोई टूर्नामेंट देखिएगा शॉर्ट बाउंड्री का तो ये 3 या 4 दिन का होता है, लेकिन दावत रेस्टोरेंट में 5 दिन में और फाइनल 1 दिन में कराया है। अच्छा एक सवाल उठ रहा है कि बक्सर जिले में खेल मैदान नहीं है, गोलगदनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। क्रिकेट सेमीफाइनल मुकाबला में ब्लैक पैंथर क्रिकेट क्लब सोहनी पट्टी में भइल सेमीफाइनल मैच में जय हिंद क्रिकेट क्लब सोहनी पट्टी के टीम रॉकी क्रिकेट क्लब के कैलाश पराजित। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार, आयोजक के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। बक्सर जिला के सोहनी पट्टी में आयोजित ब्लैक पैंथर क्रिकेट क्लब के तत्वधान में ऋषि राय के द्वारा सेमीफाइनल मैच के आयोजन 25 मई 2024 के कैल गेल रहे, जेकर उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में आयल बक्सर जिला के समाज सेवी सह पूर्व वार्ड पार्षद राजेश यादव आ दावत रेस्टोरेंट के संयोजक गोविंद राय के द्वारा फीता काट के कैल गेल। ब्लैक पैंथर क्लब में आज के खेलल गई सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश के 4 गो टीम रहे तो ये बिहार के 12 गो टीम के द्वारा खेलल गई, जौना में 8 गो लीग मैच खेलल गई, साथ ही साथ 4 गो क्वार्टर 2 गो सेमी मैच खेलल गई, जौना में बिहार के बक्सर के 2 गो टीम रॉकी क्रिकेट क्लब आ जय हिंद क्रिकेट क्लब सोहनी पट्टी के द्वारा सेमीफाइनल मैच खेलल गई, जौना में जय हिंद क्रिकेट क्लब जीत के परचम लहरैलस। बता दही कि रॉकी क्रिकेट क्लब 10 ओवर में कुल 41 रन के ही स्कोर खड़ा कर पैलस, जेकरा जवाब में जय हिंद क्रिकेट क्लब सोहनी पट्टी 5 ओवर में ही स्कोर पूरा कर के चैंपियन बनल। कमेंटेटर के तौर पे विक्की जायसवाल खेल के लेके कहलन कि सब कोई के खेल खेल के भावना से खेले के चाहिए, जौना तरीका से बच्चन के कैरियर खातिर पढ़ाई जरूरी बा ठीक वही तरह से बच्चन के खेलल भी जरूरी बा, ताकि शरीर स्वस्थ रहो, दोनों एक दूसरा के पूरक बा। साथे साथ वहाँ के खेल के ग्राउंड के सुविधा के लेके कहनी कि पूरा प्रखंड लेवल पे वो खेल मैदान के मैदान होखे के चाहिए, जौना से लड़का क्रिकेट फुटबॉल या अन्य खेल खेल सकस। यह बात के जानकारी देत ब्लैक पैंथर क्लब के संयोजक ऋषि राय बतैनी कि हर साल के भांति यह साल भी लगातार 4 दिन से रात्रि मैच करावल जा रहा बा, जौना में उत्तर प्रदेश के 4 गो टीम बिहार के 12 गो टीम के बीच मुकाबला भइल, जौना में 8 गो लीग खेलल गई, 4 गो क्वार्टर 2 गो सेमीफाइनल खेलल गई, जौना में जय हिंद क्रिकेट क्लब सोहनी पट्टी जीत हासिल कर के परचम लहरल। वहाँ के कहनी कि लैकन के इच्छा के देखत हर साल मैच के आयोजन कैल जाता है, आगे भी हो वो आगे भव्य तरीका से यह तरीका से मैच के आयोजन हो। आयोजक के बयान सुनी क्रिकेट प्रेमी बानी तो शेयर करी, धन्यवाद। मैच को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यह टूर्नामेंट जो है विगत 3 दिन से चल रहा है, उसमें कुल 16 टीमें भाग ली है। यह टूर्नामेंट हो रहा है अभी, रात्रि टूर्नामेंट हमारा छोटा भाई ऋषि राय और उसके जो दो से 4-5 लड़के सब मिलकर करा रहे हैं, दिन रात मेहनत किए हैं और देखिएगा समय परिणाम देख रहे हैं आप लोग। खेल को किस प्रकार से आप देखते हैं? मैं खुद ही खिलाड़ी था पहले और आगे मैं प्रयास करूंगा कि इससे अच्छा टूर्नामेंट हम कराएंगे। क्या ये अनवरत जारी रहता है क्या खेल? जो क्रिकेट खेल टूर्नामेंट हो रहा है क्या अनवरत जारी रहता है हर साल? ये तो विगत 2 साल से तो बंद है ग्राउंड को लेकर, यहाँ पर ग्राउंड था वो जमीन जीत है, तो मकान बन गया है और अब बगल में जमीन सरकारी है वहाँ भी जमीन, उसके बाद ग्राउंड बन गया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बक्सर जिले में अभी तक ग्राउंड नहीं है बच्चों को खेलने के लिए क्रिकेट, उसको लेकर आप क्या मांगे कर रहे हैं? यहाँ जितने भी सांसद भी जीत गए यहाँ पर दिल्ली हमारे क्षेत्र से, कोई भी अश्विनी चौबे हो, जतन सिंह हो, इसके प्रत्येक नारायण सिंह थे, लालमणि चौबे थे, किसी भी पिताश्री ने ग्राउंड के लिए कोई काम नहीं किया है आज तक।
अभी मोदी जी आए हुए थे, उन्होंने वो आए तो जरूर थे यहाँ पे, लेकिन उन्होंने बक्सर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही, ना कोई विकास का कार्य बताया। साथ ही साथ बच्चों का यहाँ पे क्रिकेट होना लाजमी है और फुटबॉल खेलना, और उनके लिए कोई ग्राउंड नहीं है, इसको लेकर आप किस रूप से देखते हैं? ये तो हमारे जो संसद लोग हैं उनकी कमी है, बार बार कृषि को भेजते हैं लेकिन ध्यान देते नहीं है, तो आते हैं पूरा पैसा और विकास के बाहर लोगों को। क्या ऐसे चलेगा कि हम बीजेपी को जिताते हैं और बीजेपी की सरकार बनती है और यहाँ पे बच्चों को खेलने का सुविधा ना हो, फिर बीजेपी को जिताने का क्या फायदा? इस बार हमका स्थानीय मुद्दा भी है, बाहरी को भगाना है, जो हमारे लोकल यहाँ के दासी है उनको हम वोट देंगे और जिताकर दिल्ली भेजेंगे, तभी हमारी समस्या का निदान होगा, अंत कभी नहीं होगा। लगातार 30 साल से हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, बाहरी आते हैं जीतते हैं और दिल्ली चले जाते हैं, क्षेत्र को भूल जाते हैं, चुनाव में आते हैं वादा करते हैं लंबा लंबा लेकिन करते नहीं। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम है गोविंद राज और मैं दाऊद जो टीम के मैच करा रहा है उसका और टूर्नामेंट मैच था और उसका फाइनल रिजल्ट आया हुआ है। जी हाँ, कौन कौन सा टीम यहाँ पे शामिल था? और उत्तर प्रदेश और बिहार की टीमें थी, जिसमें बिहार की 12 टीमें थी, उत्तर प्रदेश की 4 टीमें थी और टोटल 16 टीमें थी, और जिसमें पहले 8 लीग मैच, उसके बाद 4 क्वार्टर और 2 सेमीफाइनल, और उसके बाद आज फाइनल मुकाबला। 2 बिहार बक्सर की टीमें थी, रॉकी क्रिकेट क्लब और जय हिंद क्रिकेट क्लब सोहनी पट्टी, जिसमें फाइनल आज जय हिंद ने रॉकी को हरा कर आसानी से एक तरफा मुकाबले में चैंपियन बन गई है। कितना रन हुआ था? पहली पारी में रॉकी की टीम 41 रन बना पाई, और दूसरी टीम ने 5वें ओवर में उसको पीछा करके आसानी से जीत कर अपना खिताब पर कब्जा जमा लिया। जीत हासिल करने वालों के लिए क्या इनाम? 10,000 कैश था और उसके साथ बहुत बढ़िया ट्रॉफी, जो कि सारा आयोजन जो था ब्लैक पैंथर क्रिकेट क्लब दावत रेस्टोरेंट मैरिज हॉल जो कि बाईपास रोड में स्थित है उनके द्वारा ये आयोजन किया गया था। बहुत ही शानदार आयोजन, विनर टीम को 10,000, रनर को 51,000। अच्छा, उपविजेता जो थे उपविजेता को क्या दिया? मैं ट्रॉफी, रनर ट्रॉफी जो कि बहुत बढ़िया था, उसका फोटो आप पोस्ट कीजिएगा और उसके साथ 5100 रुपये की नगद राशि थी, जो कि इस टूर्नामेंट को हम कह सकते हैं कि एक इनामी प्रतियोगिता भी थी, जिसे बहुत बढ़िया आयोजन यहाँ के आयोजनकर्ताओं के द्वारा इस कमेटी के मुख्य अध्यक्ष ऋषि राय, उनके साथ कई सदस्य अंकित, प्रिंस, चंदन राय और भी कई सदस्य हैं जिनको कम समय में नाम लेना अभी संभव नहीं है। अच्छा, मुख्य अतिथि के तौर में राजेश यादव, बक्सर जिले के सबसे चर्चित समाज सेवी जो कि पूरे इस समय शाहबाद के किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत सहयोग दिया, उनके द्वारा 5100 रुपये की आशीर्वाद स्वरूप सहयोग राशि, और कई सारे अतिथि हैं, सबने अपना योगदान दिया, सबने अपना रोल निभाया, तब जाके ये प्रतियोगिता इतने अच्छे ढंग से लगातार 3 दिनों से चल रहा था। नहीं, लगातार 4 दिनों से, आज 5 दिनों में। अक्सर बक्सर में कोई टूर्नामेंट देखिएगा शॉर्ट बाउंड्री का तो ये 3 या 4 दिन का होता है, लेकिन दावत रेस्टोरेंट में 5 दिन में और फाइनल 1 दिन में कराया है। अच्छा, एक सवाल उठ रहा है कि बक्सर जिले में खेल मैदान नहीं है, सुनील चौबे का लगातार 10 साल कार्यकाल रहा सांसद का, उसके बाद भी यहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं बन पाया, उसको लेकर आप क्या मांग करेंगे? मांग तो हमेशा रहता है लेकिन कुछ होता नहीं है, लेकिन देखते हैं इस बार सांसद जो लोग जीते हैं सब लोग वादे कर रहे हैं, आनंद मिश्रा हुए, चाहे नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं किसी से, लेकिन सब लोग अपने अपने जगह पर कह रहे हैं। 5 प्रत्याशी जो हैं लगातार इस बात को हाँ कह रहे हैं कि हम स्टेडियम बनाएंगे। हाँ, स्टेडियम तो ऑलरेडी किला मैदान उसी को पहले बनाए ना, वो तैयार है, लेकिन उसके बाद भी कई छोटे छोटे मैदान है जिसको देखना चाहिए, या फिर कम से कम हर प्रखंड में, हर पंचायत में, या फिर हर एक एरिया में एक खेल का मैदान, जैसे बड़े 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 शहरों में होता है। लोग प्रकार से देखते हैं खेल, जैसे पढ़ाई जरूरी है शरीर के लिए वैसे ही खेल जरूरी है, खेल और पढ़ाई एक दूसरे के क्या है, पूरक है। आपका परिचय? मैं विक्की जायसवाल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेंटेटर। अच्छा ऋषि जी, आपके द्वारा यहाँ पे टूर्नामेंट मैच का आयोजन किया गया था, लगातार 4 दिनों से मैच चल रहा था, कौन सी टीम यहाँ पे जीत हासिल की है? जय हिंद। क्या आपने देखा कि लगातार आप हर साल यहाँ पे टूर्नामेंट मैच का आयोजन कराते हैं? हमारे गाँव के जो छोटे लड़के हैं, चाहे वो लड़के हैं, सबका शौक से हम ये मैच कराए हैं और आगे भी करते रहेंगे। खेल मैदान बक्सर में नहीं है, उसको लेकर क्या करेंगे? अब ये तो मंत्री लोग बताएंगे ना, चाहे जो खेल आता है वो बताएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि मंत्री लोग मेरे मोहल्ले में एक खेल मैदान बन जाए।
ये मेरी कोशिश रहेगी। मांग तो करते हैं मस्त हम लोग, लेकिन मिलता नहीं है। पूरा नाम क्या पड़ेगा आपका? ऋषि राय। ये आप ही के द्वारा कार्यक्रम कराया जाता है? हाँ। रूप में आए हुए हैं, क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले भोजपुरिया समाचार को मैं धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ मेरा अपना गांव है, इसी गांव से, इसी लोक से मैं आशीर्वाद से बहुत आगे बढ़े हैं। इसलिए इस नौजवान को लिए जो भी जहाँ जरूरत पड़ता है कदम में कदम मिलाकर साथ में चलते हैं। खेल को किस प्रकार से आप देखते हैं? खेल को हम लोग भी इसी खेल से आगे बढ़े हैं, तो इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि नौजवान, जितना नौजवान साथ छात्र है चाहे नौजवान खेलने वाले हैं, आगे बढ़े, यही मेरा आशीर्वाद है। राजेश जी, खेल का मैदान बक्सर में नहीं बना हुआ है, इसको लेकर आप सरकार से क्या मांगे करेंगे? अभी तो हम लोग का सरकार तो बने तब मांग होगा। फिलहाल में अभी तो बीजेपी की सरकार थी, तो ये भी हम लोग देखेंगे कि हमारे प्रशासन से क्या मांगे। अगर सरकार नहीं बात मानते तो प्रशासन तो बात सुनेगा। पहले सरकार बने उसके बाद मांग होगा कि बक्सर में अच्छा कोई फील्ड बने खेलने के लिए। अच्छा, अभी आरजेडी से सुधाकर सिंह जी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी से। जी जी। तो क्या लग रहा है कि अगर जीत हासिल करते हो तो क्या जो खेल का जो स्थिति है वो सुधरेगा बच्चों के लिए? ये सुधाकर जी काम करने वाले आदमी हैं, कोई रोक टोक ना करे, सरकार रोक टोक ना करे तो ये अच्छा काम करते हैं, नौजवान के लिए बात सुनते हैं, किसानों का बात सुनते हैं, नौजवानों का धड़कन है, गरीबों का मसीहा है, जरूर काम करेंगे। क्या लग रहा है कि जीत हासिल होने के बाद क्रिकेट के लिए मैदान बनने का तैयारी होगा? एकदम होगा, बिल्कुल एकदम। क्या लग रहा है कि सुधाकर सिंह जी जीत हासिल कर रहे हैं? एकदम जीतेंगे, तय है जीतना। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम राजेश यादव, पूर्व वार्ड पार्षद सोहनीपट्टी बक्सर। पारी का पांचवा ओवर, समय गेंदबाज प्रिंस आए हैं। पारी का पांचवा ओवर, ये छोटी गेंद उसे कट किया धीमी के हाथों से, चार रन, काफी अब तक लचीली कहा जाता हो। आपकी औपचारिकताओं को अतिथियों के द्वारा पूरी की जाएगी। चार रन नीला मामला जोड़ दिया है। पारी में चौकों की बारिश मई का 45 डिग्री वाले महीने। न्यूज रिपोर्टर का स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रतियोगिता को भोजपुरी मंच से, भोजपुरी के चैनल के माध्यम से इस छोटे से टूर्नामेंट को बड़ा बनाने का सहयोग दिया है। क्योंकि देखिएगा, जब अगले मुकाबले में उद्घाटन की औपचारिकताओं को की जाएगी तो राजेश यादव जी द्वारा इस मंच से कुछ घोषणा की जाएगी और बोलने का। और इस बीच आधा की पारी पूरी हो चुकी है। नए बल्लेबाज राजा, राजा और थोड़ी बताने की जरूरत है, सबको पता है उनका।